टू ऑल व्यूवर्स, आप सबको कुकिंग विद रबाब के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कीमे की मोमोज, जिसके लिए हम लोग ने लिया है 1 कप मैदा, और जिसमें हम लोग डालेंगे 1 स्पून तेल और 1 स्पून नमक। स्टफिंग के लिए हम लोग डालेंगे 250 ग्राम्स कीमा, और मसालों में हम लोग डालेंगे 1 स्पून मिर्ची और 1/2 स्पून हल्दी और 2 स्पून हम लोग डालेंगे अदरक का पेस्ट और हम लोग डालेंगे 1 स्पून सोया सॉस और चॉप्ड हुए हुए ऑनियंस। और सॉस के लिए हम लोग ने लिया है 1 टोमेटो और थोड़ी मिर्चीज और कोथमीर और लहसुन के क्लोव्स। मोमोज का बैटर बनाने वाले, तो हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। अब हम लोग 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तो अब हम लोग इसके अंदर नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। हम लोग इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे और हम इसका डो बनाएंगे। लोग इसे ऐसे मिक्स करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगा। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसका डो बनाइए। देखिए हमारा डो रेडी है। तो अब हम इसे 20 मिनट तक कवर कर रख देंगे। लोग ने इसे अच्छे से कवर कर दिया। अब हम इसे 20 मिनट तक ऐसे रखेंगे। आप इसे क्लॉथ से भी कवर कर सकते हैं। अब मैं मोमोज का सॉस बनाने जा रही हूँ उसकी, और मैंने टोमेटो को टमाटे के पीसेस कर दिए, और मैंने इसके अंदर लहसुन के क्लोव्स डाले और हरी मिर्च डाला है और कोथमीर और थोड़ी सी पुदीना, और हम मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक। ये मोमोज का सॉस रेडी हो गया है। मैंने इसके अंदर 2 स्पून केचप डाला है। अब चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। ये देखिए हमारा मोमोज का सॉस रेडी है। मैंने कढ़ाई ले ली है और अब हम मोमोज की स्टफिंग करेंगे। और अब मैं इसके अंदर तेल डालूंगी। तो अब मैंने इसके अंदर कीमा डाली, तो अब मैं इसे रोस्ट करूंगी। तो अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम लो कर दीजिए और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रही हमारी मोमोज की स्टफिंग। तो चलिए अब हम लोग मोमोज बनाते हैं। हमारे फ्लोर से डस्ट हुए हुए डो है। देखिए हमने इसे बेल दिया है। इसकी साइज ऐसी रहनी चाहिए। हमारे मोमोज रेडी हो गए। अब हम इसे स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक भगोना लीजिए, उसके ऊपर 1 लीटर पानी डालिए, फिर उसके ऊपर छन्नी रख दीजिए और फिर उसके ऊपर मोमोज डाल के उसका ढक्कन बंद कर आप मोमोज बना सकते हैं। तो चलिए मोमोज बनाते हैं। ये देखिए हमारा पानी पक रहा है। अब हम लोग मोमोज को रखकर इसे स्टीम करेंगे। देखिए इतने अच्छे से मेरे मोमोज स्टीम हो गए। हमारे मोमोज रेडी है। चलिए अभी इसे ट्राई करते हैं। अब
भी ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको पता चले कि मेरी न्यू रेसिपीज़ कब आ रहे। थैंक यू, बाय बाय।